सो हेलो गाइस, स्वागत है यार वापस से एक और नई वीडियो के अंदर। आज वापस आए हैं रेडमी गिफ्ट ए वर्सेज आई क्यू नियो 6 वर्सेज आई क्यू नियो 7 के बूट गेमिंग टेस्ट के साथ। तो यहाँ पे ना आज हम तीनों के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेलने वाले हैं और देखेंगे भाई किसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई रेडमी गिफ्ट के अंदर मेरे पास सारी सारी गेम डिलीट कर दी है, बस एक गेम बची वो है BGMI। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखना भाई क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे सीधा गेम में चलते हैं। गेम टर्बो को ऑन करते हैं और मैं सेटिंग में जाके इसका शायद साथ ही साथ FPS मीटर भी ऑन करता हूँ, जिससे कि आपको FPS भी देखने के लिए मिल जाए। और यहाँ पे आप FPS देख सकते हैं भाई, क्या ही FPS दिखा रहा है। 60 FPS में भी 114 FPS दिखा रहा है, 119 FPS दिखा रहा है, भाई साहब ये तो हवा में ले जाता है FPS मीटर को। वैसे ये FPS रियल नहीं होते, बस ऐसे दिखाता है कि हमने भाई इतने बूस्ट कर दिए। तो यहाँ पे ना हमने मैच चालू कर दिया, यहाँ पे ना FPS मीटर भी आपको लगाया, तो यहाँ पे सेटिंग पे जाके ऑन कर देता हूँ, जिससे कि आपको FPS भी दिखते रहे। तो यहाँ पे चल रहे हैं सबसे पहले बूट कैंप के अंदर, एक बूट कैंप के अंदर सबसे पहले कूदते हैं। यहाँ पे FPS देख सकते हैं 59, 49, 41 गया, 60 गया। भाई देखो यहाँ पे ना 60 FPS अभी रीसेट के बाद काफ़ी तगड़े, भाई जब से मैंने रीसेट करा तब से काफ़ी तगड़े 60 FPS निकाल के दे रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से चल रहा है, वापस से बता देना एक और बार। तो यहाँ पे मैच देखो, यहाँ पे गंदी बसड़ आई है और यार मुझे कमेंट्री नहीं करने आती है, और मैं आपका ना दिमाग भी निकालना चाहता कि लड़ाई की इसमें अपनी बकवास दे रहा हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे ना आराम से मैच देखो, बस ये बोलूँगा सब्सक्राइब कर देना शुरुआत में, क्या सब्सक्राइब कर देना भाई ये मत भूलना। तो यहाँ पे आपने FPS देखा होगा भाई, क्या प्यारा FPS निकाल के दे रहा था, 55 FPS तक जा रहा था ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद भाई बहुत तगड़े स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ऐसे FPS निकाल के दे रहा था, तो भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और FPS ड्रॉप भी हो रहे थे 55 तक, कुछ लैग पता नहीं चल रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी। और एक टिप और देता हूँ भाई, जो रेडमी गिफ्ट ए वाला है या फिर आई क्यू नियो 6 वाला, दोनों के दोनों भाई फ़ोन को रीसेट मार के देखो भाई। 100 रुपये की शर्त लगा रहा हूँ, अगर बढ़िया ना चलाना 100 रुपये ले लेना, पर अगर बढ़िया चला तो सब्सक्राइब कर देना। तो एडवांस में अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे पता है बढ़िया ही चलेगा। तो मेरी सस्ती साजिश भाई सब्सक्राइब कराने की, देखते सक्सेसफुल होती है नहीं होती, मैं पर्सनली कह रहा हूँ यार रिसेट कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भाई। 15 दिन रह गए, 15 दिन में 3-5 हज़ार रुपये पहुंचा दूंगा सब्सक्राइबर पे, तो भाई स्वाद ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने एक मैच खेला, यहाँ पे 2 मैच खेले, 3 मैच खेले, 4 मैच खेले, 5 मैच खेले मैंने कम से कम लगातार बूट गेम के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। भाई काफ़ी बढ़िया FPS निकाल के दे रहा था, वापस से बोलूंगा रीसेट मार लेना, इसकी भी दिक्कत आ रही है। और जिसने नहीं लिया उसको भी यही बोलूंगा, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। जब आप नया लोगों शुरुआत में 3 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पे रेडमी गिफ्ट का गेम प्ले खत्म होता है। यहाँ पे हम आई क्यू न्यू 7 के बूट कैम्प वाले टेस्ट करने चलते हैं, बूट कैम्प देखेंगे भाई आई क्यू न्यू 7 में क्या चल रहा है। आई क्यू न्यू 7 के तो भाई फोन को मैंने पूरा भर दिया है गेमों से, फ्री फायर, पबजी न्यू सेट, पबजी ग्लोबल, BGMI, एपेक्स लेजेंड, सारी की सारी गेमें मैंने इसके अंदर भर दी है। और आई थिंक मैंने सबके टेस्ट भी कर दिए, CODM और उसको एपेक्स लेजेंड को छोड़ के सबके मैंने टेस्ट भी कर दिए। फोर्टनाइट भी है, मगर उसको कोई यहाँ पे इंडिया में तो बहुत कम ही बंदे खेलते हैं, तो उसका मैंने अभी तक नहीं करा है, और मैं भी ज़्यादा नहीं खेलता भाई उससे। तो फटाफट से ना हम यहाँ पे अब आई क्यू न्यू 7 के अंदर बूट गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे FPS दिखते रहना, ऊपर आपको FPS दिखते रहेंगे साथ ही साथ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे फटाफट से भाई लड़ाई दिखाता हूँ मैं आपको, लड़ाई के अंदर कितने FPS देखने के लिए मिलते हैं। और मेरा भी यार पेपर है 2 बजे, तो अभी तो 12:30 हो रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो आराम से भाई उसको भी सेट कर लूंगा। तो यहाँ पे लड़ाई देखो भाई, यहाँ पे कितने FPS देखने मिलते हैं। और वापस से बोलूंगा एक बार सब्सक्राइब कर देना भाई, वो मत भूलो। पर्सनली भाई पहली बार कह रहा हूँ भाई मैं इतनी बार सब्सक्राइब करने के लिए, भाई मुझे भी अजीब सा लग रहा है भाई, क्या यार भीख सी मांग रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है भाई अपने आप कर दो, क्या कह रहे हो, अभी भी नहीं करा मैंने भाई, अभी तो कर दो भाई यार। तो चलो अभी यहाँ पे ना मैच देखो, यहाँ पे मैच के अंदर आपको परेशान नहीं करता। पर नहीं कहता
तो यहाँ पे आपने आई क्यू न्यूज 7 के अंदर देखा, मैं सोचता हूँ ना इसके अंदर मुझे एक ही बार दिखा था 50 FPS लड़ाई के बीच में, उसके बाद ना एक बार भी एम को FPS ड्रॉप देखने नहीं मेरे 57 से नीचे। बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था, स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ भी खेलोगे। यहाँ पे आप आई क्यू न्यूज 6 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आई क्यू न्यूज 6 के अंदर खेलते हैं। यहाँ पर तो बछड़ कर रखी है मैंने पूरे का पूरा फोन में, इसके अंदर भी काफ़ी सारी गेम है हमारे, इसके अंदर कुछ सेट नहीं है भाई मेरा, इधर उधर ऐप बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैं इधर उधर भाई रीसेट मारता रहता हूँ एक की दूसरे में, दूसरे के तीसरे में स्टोरेज डाल डाल के, तो यही करता रहता हूँ भाई मैं। तो फटाफट से भाई यहाँ पे आई क्यू न्यूज इसको भी खोलते हैं, आई क्यू न्यूज के अंदर भी बूट कैम खेलने वाले हैं 60 FPS के अंदर, उसके अंदर देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस रहती है। यहाँ पे ना आपको तीनों भाई अलग अलग FPS मीटर में ऐसे ही लगाता हूँ, जिसका आपको डिफरेंशिएट रहे कि भाई कौन सा किसका है कौन सा किसका नहीं। तो आपके लिए भाई मैं करता हूँ तीनों के तीनों FPS, इसी बात में भाई सब्सक्राइब वापस से बोल रहा हूँ, वापस से सब्सक्राइब कर दो। चलो यार आखिरी बार तो वापस से नहीं बोलूंगा, इसी बात में वापस से सब्सक्राइब कर दो। तो ये क्या था कि मैंने सोचा HDR एक्सट्रीम पे खेलता हूँ मैं, मेरे घर पे भाई पंखा भी मम्मी चलाने नहीं दे रही, तो यहाँ पे मैंने HDR एक्सट्रीम का सपने छोड़ दिए। मगर भाई यहाँ पे अच्छा खासा निकाल रहा था 60 FPS पे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी स्क्रीन। मैं सोचा ना तीनों फोन में अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो कोई भी जैसे लैग बड़ा तरह बड़ा देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे ना आपको वापस से एक बार मैच देखो आई क्यू न्यू 6 का भी। तो यहाँ पे तो इन्होंने भाई पीठ पीछे वार किया, मेरे पास हेल्थ भी नहीं थी, तो भाई चढ़ गए और मुक्के पे मार रहे थे भाई मुंह पे मेरे, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि भाई मुंह पे मार दिया इन्होंने बेचारों ने। तो यहाँ पे भाई इनको मैं छोड़ता नहीं, मगर यार रिकॉल वाला ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे ना मैंने देखो ऐसा नहीं है कि एक मैच खेला भी तीनों के तीनों फोनों में, मैंने तीनों में भाई कम से कम 4-4 5-5 मैच खेले तीनों के तीनों फोनों के अंदर, काफ़ी बढ़िया FPS निकाल के रहे थे तीनों के तीनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। अगर आपके पास आई क्यू न्यूज 6 या रेडमी गिफ्ट है, वापस से बोलूँगा भाई रीसेट मार लेना, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे थे रीसेट के बाद, तो भाई ट्राई करके देख लेना एक बार। और तीनों के FPS में से अगर आपको एक चुनना होगा अपनी तरफ से बताना, मेरे को तो अभी सबसे ऐसे FPS के देख के बताऊँ तो मेरे को आई क्यू न्यूज 7 के सबसे ज़्यादा अभी तक FPS लगे। ऐसा नहीं है कि दोनों के कम थे, दोनों रेडमी गिफ्ट और आई क्यू न्यूज 6 के उनके भी काफ़ी अच्छे चले थे, मेरे 50-60 के बीच में, तो ये 55-60 के बीच में था, तो उतना ज़्यादा भी फर्क नहीं था क्योंकि भाई आई क्यू न्यूज 6 और रेडमी गिफ्ट के अंदर 90-90 FPS देखने को मिल जाता है, इसके अंदर 90 FPS देखने के लिए नहीं। तो यहाँ पे अगर एक तरफ फायदा है तो एक तरफ नुकसान भी है IQ News 7 का। तो यहाँ पे यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये 10वीं बार होगा मेरा शायद बोल रहा हूँ, तो कर देना भाई इस बार।